जम्मू काश्मीर रो एलओसी निकट रे थिबा उरी सेक्टर रे पाकिस्तान आतंकवादी को एक बड़ अनुप्रवेश उद्यम को पंड करछि भारतीय सेना। अनुप्रवेश पई उद्यम करथुआ समय रे गोली विनिमय घटितला। जने पाकिस्तानी आतंकवादी रो मृत्यु एवं ता सहित जनों को जीवंत धरिछंती भारतीय सेनार जवान। एनकाउंटर रे 3 जन भारतीय जवान मध्य आहत होइथवा सूचना रहुछि। सोमवार राति रे एनकाउंटर घटिछि। गत शनिवार थारु भारत सीमा को अनुप्रवेश पई उद्यम करथिले पाकिस्तानी आतंकवादी। सेइथ पई सजाग थिले भारतीय सुरक्षा एजेंसी। सेना तरफ रु बारमुला जिल्ला रो उरी सेक्टर रे एक एनकाउंटर घटिथिला। तबे ऑपरेशन प्रथमे आरंभ होइथिला। कुंबिंग ऑपरेशन समय रे गोली विनिमय घटिला। गोटिए सप्ताह भितर एहा उरी सेक्टर रे पाकिस्तान आतंकवादी को द्वारा तृतीय थर अनुप्रवेश उद्यम। एबे भी सेठारे कुंबिंग ऑपरेशन जारी रहितवा सूचना रुचि। अनेक मारणास्त्र ता सहित गोली गोला मध्य जबत करा जैछि। आई एम हियर टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ अ मिलिट्री ऑपरेशन दैट वाज कैरिड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ 9 डेज अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन उड़ी एरिया ऑन द इवनिंग ऑफ 25th सितंबर। देयर आफ्टर एन एनकाउंटर एनसूड। Out of these two terrorists, one terrorist was neutralized on the morning of 26th. Once this terrorist was neutralized, his accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. There was a lot of shouting. He said he asked us to spare his life. As is the ethos and value system of Indian Army, we do not use force, lethal force against any unarmed person. So due precautions were taken and he was taken into own custody. Now if I invite your attention to the fact that this infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Udi garrison took place. It is also revealed that this infiltration group was supported from the Pakistani side by 3 porters who had come till the line of control along with supplies. In last 7 days, 7 terrorists have been neutralized and 1 terrorist has been apprehended, and 5 of these neutralizations have taken place along the line of control.